नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला का ज्ञान। वर्णमाला के ज्ञान में हम लोग इसके पहले वाला पढ़े हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो उसी प्रकार से ये भी प्रयत्न भी है। प्रयत्न में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उच्चारण स्थान में तो ये था कि जब वायु हमारे कंठ, मूर्धा, तालु इत्यादि से कुछ छूती है तो उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उसी तरह से अब प्रयत्न है। अब प्रयत्न उच्चारण के लिए है। जब फेफड़े से निकली वायु मुख नासिका को छूती है तो हम उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। लेकिन जब हम उच्चारण करने के लिए मनुष्य अंदर ही अंदर प्रयत्न करता है, हम लोग अंदर ही अंदर क्या करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं बोलने के लिए। हमें समझ में नहीं आता है लेकिन हम करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर, उसी को हम प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। ठीक। तो हम धीरे धीरे समझेंगे। आज हम आभ्यंतर प्रयत्न समझेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग बाह्य प्रयत्न समझेंगे। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न है, देखिए अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि उच्चारण के समय मुख के अंदर मनुष्य द्वारा की गई चेष्टा प्रक्रिया अभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। मुख के अंदर चेष्टा प्रक्रिया, जब हम बोलते हैं जैसे क बोलना है तो क बोलने के लिए हम अंदर मुख में प्रयास करते हैं। वही प्रयास, वही कोशिश हमारी क्या होती है, आभ्यंतर प्रयत्न होती है। ये कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? पांच प्रकार का। पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट मतलब होता है बच्चों छूना। ठीक। हम लोग पहले स्पर्शी व्यंजन पढ़ चुके हैं। स्पर्शी व्यंजन में क से म तक सभी व्यंजन आते हैं। वही क से म तक सभी व्यंजन ही स्पृष्ट व्यंजन कहलाते, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है। स्पृष्ट क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण के समय जब हम ये क से म तक सभी व्यंजन बोलते हैं तो इसके उच्चारण के समय जिव्या यानी जिव्या के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थान को स्पर्श किया जाता है। ठीक। जीभ के द्वारा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है जिस कारण से हम क से म तक का उच्चारण कर पाते हैं। कहाँ से? क से म तक का उच्चारण कर पाते हैं और छूते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं। जिह्वा कोई ना कोई स्थान को छूती है, इसी कारण से इसको हम स्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, दूसरा है ईषत स्पृष्ट। ईषत अभी हम लोग पढ़े, स्पृष्ट मतलब छूना, और दूसरा है ईषत स्पृष्ट। ईषत स्पृष्ट का मतलब होता है, ईषत मतलब थोड़ा छूना। तो जब मुख के कुछ भागों को जब थोड़ा छूती है तो उसे हम कहते हैं ईषत स्पृष्ट। वो कौन कौन से वर्ण हैं? य, र, ल। देखिए ल में हलंत नहीं लगा, आप लगा लीजिए। ल, व इत्यादि। ठीक है। अब देखिए विवृत। विवृत का मतलब होता है कि मुख विविर खुला रहता है। विविर मतलब छेद। जब मुख का विविर खुला रहता है तो उसे हम विवृत बोलते हैं। ठीक। और ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं? सभी स्वर आएंगे। आप बोल के देख लीजिए, अ आ, हमारे मुख जो है वो बंद नहीं होता है, वो उसका विविर जो है, उसका छेद जो खुला रहता है, मुख हमेशा खुली रहती है। आप बोलिए अ आ ई उ ए ऐ, सभी मुख हमें बंद नहीं हो रहा है। ठीक। तो इस कारण से इसको बोलते हैं हम विवृत। ठीक है। अब चौथा देखिए क्या है, ईषत विवृत।
ईषद मतलब थोड़ा और विवृत मतलब आपने समझ लिया, विविर विविर मतलब आपने समझ लिया विविर, तो विविर ईषत विवृत में श श स ह अर्थात तालविश मूर्धनिश दंत स और ह, ये चारों वर्ण कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण हैं, यानी ऊष्म वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? ईषत विवृत कहलाते हैं। इनको भूलने में हमारा मुख विविर थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, खुला नहीं रहता है, थोड़ा खुला रहता है। श स स ह, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, संवृत्त। संवृत्त सॉरी संवृत्त है अ, संवृत्त का मतलब अ। संवृत्त का तात्पर्य है बच्चों इस वर्ण का उच्चारण करने में, अ का उच्चारण करने में हमारी जो श्वास है, श्वास का मार्ग जब बंद रहता है तो उसे हम संवृत्त बोलते हैं। और एक अब हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा मार्ग बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इसका उच्चारण अ का उच्चारण करने में हमारा जो श्वास का जो मार्ग है वो बंद रहता है, ठीक है। श्वास का मार्ग क्या होता है? वो बंद रहता है। तो ये संवृत्त वर्ण है, संवृत्त वर्ण क्या हो गया? अ, ठीक है। आज हम लोग बच्चों ये अभ्यांतर प्रश्न पढ़े हैं, अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही हमने चुन चुन के प्रश्नों को लिया है, आप इसको हल करिए। प्रयत्न का प्रयोग किया जाता है उच्चारण स्थान में, उच्चारणार्थ ध्वनि या सूत्र। तो बच्चों सूत्र से तो यहाँ मतलब नहीं है कोई, ध्वनि का भी मतलब नहीं है, ध्वनि तो उच्चारण जब करने के बाद हमारी जो निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। उच्चारण स्थान जब वायु फेफड़े से निकली वायु कंठ तालु मूर्धा इन स्थानों को छूती है तो उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारणार्थ अर्थात उच्चारण के लिए प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अब आगे पढ़िए, उच्चारण के लिए मुख के अंदर चेष्टा परक क्रिया कहलाती है। चेष्टा परक क्रिया क्या कहलाती है? चेष्टा परक क्रिया भी आपने पढ़ा है कि कुछ हम मुख के अंदर प्रयास करते हैं वो होता है आभ्यंतर प्रयत्न। मुख के अंदर की जब बात आती है तो वो होता है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, कितने प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न? 7 प्रकार के हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो बच्चों अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। क से म तक सभी व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत नहीं स्पृष्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ईषत विवृत वर्ण है। ईषत विवृत, विवृत विविर मुख विविर, और ईषत मतलब थोड़ा, तो थोड़ा मुख विविर जो खुला रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईषत विवृत बोलते हैं। ऐसा कौन सा वर्ण है भाई? तो ऐसा क ख ग घ है? नहीं, ये तो स्पर्शी यानी स्पृष्ट है। ए आई ओ औ है? नहीं, ये तो संयुक्त दीर्घ है। य र ल व है? न, ये तो ईषत स्पृष्ट है, थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा छूता है, तो इसको य र ल व बोलते हैं। ऊष्म वर्ण को हम बोलते हैं ईषत विवृत। सभी स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं, संवृत कहलाते हैं, स्पृष्ट कहलाते हैं या ईषत स्पृष्ट कहलाते हैं? भाई क्या कहलाते हैं? तो जो हमारे सभी स्वर आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? विवृत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विवृत। ये देखिए स्पृष्ट में ये लगा लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग, संवृत्त वर्ण है, संवृत्त वर्ण है।
संयुक्त वर्ण हमने बताया था ना, जिसमें श्वास का मार्ग बंद हो जाता है, वो मार्ग बंद किस में होता है? प में, ई में, ए में या अ में? अ में। वही ऐसा वर्ण है जिसमें जब हम श्वास लेते हैं उसका मार्ग बंद हो जाता है। ऊष्म वर्ण श, स, स, ह कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है? अभी आप लोग पढ़ चुके, अभी इसी प्रश्न में आया था, कौन सा है विवृत्त? ये तो सभी स्वर है। ईषत विवृत्त, संवृत्त या स्पृष्ट? ईषत विवृत्त है। च, छ, ज, ज, इय अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा प्रकार है? देखिए ये बहुत ही उलझाऊ वाला प्रश्न है। क आता है, ख आता है तो हम समझ जाएंगे स्पष्ट जो है। अब बीच का आ गया तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से ही ये प्रश्न दिए थे। तो आप देखिए च, छ, ज, ज, इय ये जो है स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन हमारा क्या होता है? स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा बाह्य प्रयत्न का होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।